जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा और विषय गणित प्रश्नावली 3 क्वेश्चन नंबर 7 दीपक 325 रुपए में मैं एक पेंट और 240 रुपए मैं एक कमीज खरीदता है तो बताओ दीपक दीपक दुकानदार को कितना भुगतान करता है। देखिए दीपक 325 रुपये में एक पैंट और 240 रुपये में एक कमीज खरीदता है तो बताओ दीपक दुकानदार को कितना भुगतान करता है। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे ये महाजनी गिनती है। जैसे हम करते हैं जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जैसे ये महाजनी गिनती है। महाजनी गिनती जैसे हम करते हैं अंतरराष्ट्रीय गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे रोमन संख्या रोमन में जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जैसे ये गिनती है पांचवी गिनती के अंदर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लिखते हैं। उसी प्रकार से एक पेंट 325 में एक पेंट एक कमीज 240। जब हम उन दोनों को जोड़ते हैं बताओ दीपक दुकानदार को कितना भुगतान करता है तो जब हम इसको जोड़ेंगे 5 के 5, 4 और 2, 6, 3 और 2, 5 565। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्वेश्चन नंबर 8 लोकेश दुकानदार भुगतान करता है लोकेश बाजार से 567 रुपये में एक घड़ी एवं 200
280 रुपये में रुपये की एक टॉर्च खरीदता है तो बताओ उसके पास कुल कितनी राशि खर्च की गई। देखिए लोकेश बाजार से 567 रुपये में एक घड़ी है, 280 रुपये की एक टॉर्च खरीदता है तो बताओ उसके पास कुल कितनी राशि खर्च की गई। एक घड़ी एक घड़ी 567 एक टॉर्च का है 280। देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो 847 रुपये उसके पास कुल कितनी राशि खर्च की गई। राशि खर्च की गई 847 रुपये खर्च की गई। क्वेश्चन नंबर अगला है हिंदी की संख्याओं का योग जोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी की संख्याओं का योग जोड़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है 25 प्लस 42, दूसरा है 36 प्लस 14, तीसरा है 48 प्लस 63। इनको हमको जोड़ना है 5 और 2 7, 5 और 2 7, 4 और 2 6। अगला देखिए 6 4 10 की सोम, 3 4 5, उसी प्रकार से 8 और 3 8, 9 10 11 का 6 4 10 और 11। आज पढ़ाएंगे जय श्री कृष्णा।